व्हाट्स अप गेमर, कैसे हो आप लोग। तो यार वेलकम बैक टू ए न्यू ब्रांड न्यू वीडियो गाइस 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 ब्रांड न्यू वीडियो गाइस, ठीक है ना, ब्रांड न्यू। सो गाइस देखो यार, इस वाली गेम प्ले में हम लोग खेल रहे हैं पबजी मोबाइल लाइट। अब देखो यार, पबजी मोबाइल तो हम लोग ना काफ़ी टाइम से खेलते आ रहे थे, लेकिन मैंने सोचा चलो पबजी मोबाइल लाइट खेला जाए, क्योंकि यार इंडिया के अंदर ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि पबजी मोबाइल लाइट खेलते हैं, क्योंकि पबजी मोबाइल नहीं खेल सकते वो, उनके फ़ोन में मतलब लेग होता होगा या फिर ऐसे ही कुछ इशू होगा, तो पबजी मोबाइल लाइट खेलते वो। तो मैंने सोचा चलो यार ऑन द डिमांड अपन भी पबजी मोबाइल लाइट खेला जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो उस कौन सी जगह में उतरा था, मैं सब कुछ आपको समझाऊंगा। तो यहाँ से उतरते ही मैं कोई घर में उतरता हूँ, मैं सबसे आखिरी में उतरता हूँ मैं, ठीक है ना। और यहाँ से हमको शॉटगन मिलती है और यहाँ पर एक पूरी रियल स्क्वाड आई हुई है, तो देखना इस पूरी रियल स्क्वाड को सिर्फ अपन शॉटगन से मार देंगे। अब देखो सीन क्या हुआ था कि इस गेम को खेलने के लिए अपने को वीपीएन की मतलब ज़रूरत पड़ती है, मतलब वीपीएन कनेक्ट करके खेलना पड़ रहा था गेम। बिना वीपीएन का मतलब सर्वर बिजी आ रहा था, वो लोड नहीं हो रहा था, ठीक है। तो उसका भी सॉल्यूशन कुछ ना कुछ निकाल लेंगे अपन बाद में, लेकिन अभी तो चलो गेम तो रिकॉर्ड करना था ना, अभी तो खेलना था, तो जस्ट ऐसे खेल रहे थे हम। तो वीपीएन कनेक्ट करके आता हूँ मैं, और जैसे ही मैं गेम के अंदर आता हूँ और मेरा वीपीएन हो जाता है डिसकनेक्ट, तो गेम मतलब पबजी मोबाइल लाइट वाले जो मतलब महोदय है ये मेरे को बाहर फेंक देता है गेम से। तो फिर वीपीएन कनेक्ट करके आता हूँ मैं, और इतना थोड़ा टाइम हो जाता है तो मेरी लैंडिंग मतलब पूरा गेम लोड होता है फिर से, और मेरी लैंडिंग हो जाती है सबसे आखिरी में, और मेरा जो टीममेट था सोमो वो उतर जाता है स्टार्टिंग में, तो वो उधर बंदे मार रहा था, और क्योंकि मैं लास्ट में लैंड हुआ था और गलती से यहाँ पर भी एक स्क्वाड आ जाती है, तो इसको ऊपर मार देते हैं, तो यहाँ किल तो अपने यहाँ भी निकल ही जाते हैं। तो यहाँ पे एक स्क्वाड को मैं इस पूरी रियल स्क्वाड को मारता हूँ, और यहाँ पर एक बोर्ड भी आ जाता है, तो इस बोर्ड को भी देखो ये आ गया बोर्ड, और इतने में मेरा टीममेट भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये आ ही गया मेरा टीममेट यहाँ पे। सो गाइस देखो, अब आप सोच रहे होंगे कि यार नया नया खेल रहा है, मतलब नया नया अकाउंट है तो बोट ही आएंगे, तो ऐसा नहीं है, यही सोच के, क्योंकि मैंने सोचा था यार गेम रिकॉर्ड करना है, और अगर मैं नया नया खेलूँगा मतलब नए अकाउंट से खेलूँगा तो मतलब बोट आएंगे और गेम खेलने का गेम रिकॉर्ड करने का मज़ा नहीं आएगा। तो मैंने सोचा कि चलो मेरा जो फ्रेंड है सोमो इसको बोला जाए, क्योंकि इसकी ना रैंक अच्छी खासी है इसके अंदर, क्या बोलते हैं पबजी मोबाइल लाइट के अंदर। तो मैंने सोचा चलो अपन दोनों खेलेंगे, तो मेरे को भी बोट नहीं मिलेंगे, मतलब अपने को बोट नहीं आएंगे टीम में, और मैच अच्छा जाएगा, मतलब किल विल भी निकलेंगे। तो ऐसा ही सीन है, ठीक है ना, मतलब क्योंकि मैं इसके साथ में खेल रहा था तो बंदे अच्छे आ रहे थे, मतलब बोट नहीं आ रहे थे, ठीक है ना, रियल बंदे भी आ रहे थे, और ये बंदा एकेएम से फिर नॉक कर रहा है उधर। और अगर बैकग्राउंड में से आपको थोड़ा सा हॉर्न सुनाई दिया तो उसके लिए मजा लो बस, है ना, हॉर्न सुनना अच्छी बात है। सो गाइस यार, तो यहाँ पे थोड़ा ही आगे आते हैं हम, और यहाँ पर हमको थोड़ी सी फायरिंग आती है, अब पता नहीं था कि ये बोट होगा, ठीक है ना, लेकिन जो भी अब फायरिंग आती है तो एक किल तो चाहिए ना, तो यहाँ से वैसे ही किल अपने टीममेट को मिलता है, लेकिन कोई बात नहीं, किल अपने को भी बहुत सारे मिलेंगे। और यहाँ पे फायदा अपने को ये हो गया कि यहाँ पे ऊपर देखो सामने वाले घर में जैसे ही बंदा आता है वो चील की निगाह है अपने, ठीक है ना, वो बंदा दिख जाता है तो उसको यहाँ पे मतलब मारने का ट्राई करते हैं और मार देंगे इसको। देखो गाइस यार, पबजी मोबाइल लाइट पता है अच्छा क्यों लगा, क्योंकि यार ये ना बिल्कुल रियलिस्टिक गेम टाइप लगा है मेरे को, ठीक है ना, मतलब पबजी मोबाइल का जो सबसे बेस वेरिएंट था, बेस वर्जन आई मीन जब वो सीजन 1, 2, 3 में चलता रहा था वो, मतलब कोई स्किन नहीं कुछ भी नहीं, बिल्कुल मतलब फुल बैटल रॉयल गेम की फीलिंग आती थी, तब वो गेम भी अच्छा लगता था, और अभी ये गेम अच्छा लग रहा है, पता है क्यों। अब देखो पबजी मोबाइल ने क्या किया, मतलब सीजन के साथ साथ पता नहीं स्किनें और गन स्किनें, कारों की स्किन, ये बहुत बेकार लगा मेरे को सीन। भले ही देखो अब आप सोचोगे कि अपने मेरे पास नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ, तो ऐसा सीन नहीं है। अब देखो ये गेम ना बैटल रॉयल गेम है, स्किन है मेरे पास भी पबजी मोबाइल के अंदर बहुत सारी पड़ी हुई है, लेकिन मैं लगाता नहीं हूँ उनको, बस इसलिए नहीं लगाता हूँ क्योंकि यार ये एक बैटल रॉयल गेम है, और अगर स्किनें लगा के खेलोगे तो उसकी फीलिंग नहीं आएगी ना, कि आप एक फाइटिंग गेम खेल रहे हो, आप बैटल रॉयल गेम खेल रहे हो आप, है ना, मतलब उसकी उसका मज़ा नहीं आएगा। मतलब आप एक बात बताओ, आप कहीं पे फाइटिंग में जा रहे हो मतलब लड़ने के लिए, तो वहाँ पे क्या आप ऐसे जाओगे क्या, ओहो ये देखो मेरा तितली की बैग की स्किन मेरे पास, और मेरे कार की स्किन, ये देखो मेरा कलरफुल कार, ऐसे जाते हो क्या है, एक नॉर्मल जाते हो ना, उसमें मज़ा आता है। तो एक रियलिस्टिक जो फीलिंग आती है ना वो बिना स्किनों के और इन ग्राफिक्स में आती है, ठीक है। ओ यार देखो, अब देखो चलो ये फालतू बातें बहुत सारी हो गई, फालतू नहीं बातें काम की थी तो सुन लेना। तो यहाँ पे इस ड्रॉप के अंदर मेरे को ग्रोजा दिखाई देती है, लेकिन मैं मेरे टीममेट को बोलता हूँ भैया तू उठा ले ग्रोजा, मेरे को ज़रूरत नहीं, तो अपन शॉटगन से ही मारेंगे। अब क्योंकि पहला मैच था है, तो मैं चलो पहला मैच नहीं था एक्चुअली, मैं हम थोड़े बहुत मैच खेले थे, ठीक है ना, थोड़े बहुत मैच खेल रहे थे इस पबजी मोबाइल लाइट के अंदर ऐसे प्रैक्टिस के तौर पर। तो गाइस देखो यहाँ पे फाइनली इतने बंदे मारते हैं, 6 किल मेरे हो जाते हैं, और अब देखो अब यहाँ से निकलते हैं, और बंदे तो बहुत सारे मिलेंगे, और मैच में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। 5 minutes later अब देखो यार, थोड़ी सी गाड़ी चला के हम आगे आते हैं, और इधर से आती है फायरिंग, और देखो इन बंदों को शॉटगन से कैसे लपेटते हैं अपन। देखो यार मेरा फ्रेंड ग्रोजा ही चलाता रह गया, लेकिन शॉटगन से अपनों ने उसको मार दिया। अब देखो यार बहुत टाइम से इस गेम में घूमे हम, क्योंकि बंदे इस गेम में भी नहीं मिल रहे थे, और यहाँ पे देखो इस मतलब अलग ही पहाड़ी गंज पे आए हम, यहाँ पे घूम रहे थे लेकिन बंदे एक्चुअली में यहाँ पे भी नहीं थे, तो सामने हमको नीचे बंदे दिख गए। अब देखो इन बंदों को कैसे मारते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात सुनो, देखो यार पबजी मोबाइल लाइट है इसके अंदर, मतलब आपके पास भली ग्रोजा हो ना भली यूजी हो, कोई सी भी गन ले लो, गन का सारा मेरे को ऐसा लगा कि सब गेम सारी गन इसके अंदर इक्वल इक्वली है, मतलब आप चाहे ग्रोजा चला लो, आप चाहे यूजी चला लो, आप चाहे यूएमपी9 चला लो,
आपको डैमेज देना ही पड़ेगा, मतलब अखंड डैमेज देना पड़ेगा तब जाके बंदा मरेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे एक ही में तो आप तीन गोली हेडशॉट में मारोगे तो बंदा नॉक हो जाएगा, ऐसा नहीं है भैया। इसके अंदर आप चाहे ग्रोजा उठा लो, चाहे शॉटगन उठा लो, चाहे कुछ भी उठा लो। इसके अंदर मेरे को एक्चुअली शॉटगन का काम अच्छा लगा थोड़ा सा, क्योंकि शॉटगन से जल्दी दो शॉट में बंदा नॉक हो जाता है इस गेम के अंदर। और बाकी जितनी भी गन है यार बहुत ज़्यादा डैमेज देना पड़ता है, ठीक है ना। तो देखो आप इस जगह पे इन दो तीन बंदों को और मारते हैं अपन, तो यहाँ पे अपने किल हो जाते हैं, 10 किल हो जाते हैं। अब एक्चुअली में बंदे से टोटल 3 बचे, लेकिन अपनों को किल यहाँ पे इस हिसाब से आएंगे कि अपना चिकन डिनर निकल जाएगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे आप जस्ट देखो कैसे निकालते हैं हम लोग। सो गाइस देखा आपने, यहाँ पे मैंने पूरी मतलब लोडेड गन उसके अंदर बंदे को मार दी, लेकिन वो बंदा नोक नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा चलो फ्यूल फोड़ देता हूँ ताकि वो ये जो गैस कैन फूटेगी ब्लास्ट होगी तो बंदा मर जाएगा। लेकिन एक्चुअली पबजी में लाइट में गैस कैन ब्लास्ट नहीं होती है, तो इसको आगे आके मारते हैं अपन शॉटगन से। जैसा कि मैंने बोला था कि शॉटगन काफ़ी अच्छी गन है, और बचे हुए बस 2 ही बंदे थे जिसमें से एक को नोक कर दिया था और एक इसका टीममेट सामने दिख गया था, तो इसको भी अपन अच्छे से मार देंगे। सो गाइस आई होप कि ये वाला गेम प्ले आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये गेम प्ले आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और इस चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अपन ना पबजी में लाइट के भी गेम प्ले डालेंगे। सो गाइस यार बाय बाय।